स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रिव्यू हमारे फोवेरा के मोटरसाइकिल जेल सेट कुशन का। अब ये प्रोडक्ट जो है खरीद कर मुझे तकरीबन 2 हफ्ते हो गए, पर आज जो है मैं इस पर एक तकरीबन 150 किलोमीटर की एक राइड करके आया हूँ कंटिन्यूस नॉन स्टॉप। तो इसीलिए आज मैं इसका रिव्यू शेयर करूँगा आपसे, आपको निकाल कर बताता हूँ। ये ऐसे निकल जाता है, यहाँ से भी आप बकल खोलोगे तो निकल जाएगा, पर मैं आपको इतना ही निकाल कर बता रहा हूँ। ये तकरीबन आपको वैसे तो 1 इंच मोटी मिलेगी, पर आप इसे बैठोगे तो ये आधा इंच दब जाएगी, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ जेल नहीं है, इसके अंदर कुछ स्प्रिंग की तरह भी दिया हुआ है। बीच बीच में स्प्रिंग है या क्या पता नहीं है, एक अच्छा खासा स्प्रिंग की तरह महसूस होता है। मतलब मेटल की स्प्रिंग नहीं है, PVC मतलब प्लास्टिक की या फिर रबर की स्प्रिंग की तरह दिया हुआ है, जिससे आपको ना जो रोड के बम्प्स वगैरह में है ना, जो झटके लगते हैं स्पीड ब्रेकर पे और छोटे मोटे खड्डों में ना, वो ये चीज़ एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। अब रही बात बैक पेन की, तो दोस्तों बैक पेन तो ऐसे पता नहीं चलेगा, और दोस्तों जिसकी एज थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और वो मतलब नॉन स्टॉप डेली का मतलब 100-150 किलोमीटर बाइक चलाता है, तो उसको बैक पेन का एहसास होता है। अभी मेरे को अगर आप पूछोगे कि बैक पेन, तो मैं दोस्तों बोलूँगा देखो मेरे को तो बैक पेन फिलहाल है नहीं, थोड़ा बहुत बैक पेन आपको हो सकता है अगर आप बिना इसके चलाओ तो, पर ये चीज़ झटके एब्जॉर्ब करने की वजह से हो सकता है इसमें आपको बैक पेन से राहत मिल सकती है, इसका मैं कंफर्म नहीं बता सकता, पर झटके एब्जॉर्ब कर लेता है ये खड्डों के स्पीड ब्रेकर के, काफ़ी जो झटके होते हैं ना वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके अंदर मैंने बताया ना आपको रबर की तरह एक दिया हुआ है जो एकदम मतलब स्प्रिंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। सिर्फ जेल नहीं है, जेल के अलावा थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऐसा डाला हुआ है जो कि स्प्रिंग की तरह काम करता है, ठीक है, तो उससे काफ़ी आराम मिलता है। पर एक इसका मेरे को अच्छी चीज़ नहीं लगी, मैं अब राइड करके आया हूँ तकरीबन 150 किलोमीटर। आपको पता होगा जब लंबी राइड करते हो तो आपको जो आपके जो बैक में है, आपकी तशरीफ में मतलब आपके बम के पास आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है, ठीक है ना, तो वो चीज़ ये नहीं रोक पा रहा है, ठीक है ना। अब वो हो सकता है इसकी कपड़े की वजह से हो, या मैं धूप में राइड करके आ रहा हूँ उसकी वजह से हो, तो जो बर्निंग सेंसेशन होगा ना आपके बम की तरफ, वो ये चीज़ नहीं रोक पाएगी, वरना झटके एब्जॉर्ब करने में काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। तो इसको लगाने के बाद जब आप इस पर बैठोगे ना तो काफ़ी कुशन महसूस होगा, और खास करके जब खड्डे और जब स्पीड ब्रेकर में जब गाड़ी झटका मारेगी ना तो आपको अच्छा महसूस होगा, मतलब आपको बिल्कुल भी झटका नहीं लगेगा इसकी वजह से। और एक बात दोस्तों, इसका जो सीट था ना मेरे बाइक का काफ़ी पतला था आगे से, और जो थोड़े से शार्प एज थे, जिसकी वजह से जो लॉन्ग राइड पे मैं जाता था मतलब 100-150 किलोमीटर जब चलाता था ना, तो मेरे जांग में मतलब थाई में पीछे की तरफ एक मतलब मुझे एक जलन सा महसूस होता था और मतलब चुभन महसूस होती थी, तो वो चीज़ को इसने सॉल्व कर दिया है, ठीक है ना। ये लगाने के बाद सीट थोड़ा आगे से चौड़ा हो गया है और थोड़ा कर्व भी हो गया है, तो मतलब काफ़ी कंफर्टेबल सीटिंग पोस्चर मिल रहा है मेरे को, और थोड़ा सा हाइट जो है बढ़ जाता है आपकी बाइक का, ऑब्वियसली जब ये आप लगाओगे तो 1 इंच आपका तकरीबन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, जो आपका जो सैडल हाइट है मतलब ग्राउंड से लेके जो आपका सीट का हाइट है उसमें 1 इंच की बढ़ोतरी होगी ये लगाने के बाद। फिर भी आप इसको आराम से चला लोगे, बाइक को चलाने में कोई अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि 1 इंच बढ़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बैठोगे तो आधा इंच दब भी जाएगा। तो अगर मैं कंफर्ट के मामले में अगर मैं पहले 10 में से 6 दे रहा था तो अब मैं 10 में से 8 दूंगा इसकी वजह से, तो 2 पॉइंट बढ़ गया इसकी वजह से, क्योंकि कंफर्ट थोड़ा बढ़ गया इसकी वजह से। ऑब्वियसली कंफर्ट बढ़ा है, नहीं बढ़ा ऐसा नहीं बोल सकते, जलन तो पहले भी महसूस होती थी, अभी भी हो रही है, वो चीज़ नहीं घटी है, पर जो खड्डे हैं वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है चीज़ को, और कंफर्ट बढ़ा दिया है क्योंकि थाई में मेरे चुभता नहीं आ रही है चीज़, क्योंकि ये कर्व हो गया आगे से। ऑब्वियसली कंफर्ट तो बढ़ जाता है पर 100% बिल्कुल नहीं बढ़ता है, और कोई भी चीज़ जो तो 100% नहीं होती है, जो भी है इसके प्राइस के हिसाब से दोस्तों ये काम कर रहा है। तो यही था आज की वीडियो में, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक कि अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।